क्या बोलते हो? अरे उतरना नहीं आ रहा तेरे को? आज के बाद मैं सांची के साथ कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगा। दिमाग खराब किया हुआ है? उतरने की जांच नहीं है क्या? इस साइड से उतरता बंदा, उल्टी साइड से कौन उतरता है? अब मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग शूट करने का। पहले भी तूने ऐसे किया ना, गाड़ी इतनी तेज आ रही होती तो ऊपर से चल जाती फिर। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे, होने भी जैसे हो। गाइस देख सकते हो पीछे लगी है तुम्हारे भाई की बम्बल भी। आज होने वाला है एक मोटो व्लॉग, क्योंकि काफी टाइम से भाई मैंने मोटो व्लॉग नहीं करा। सबसे पहले आपको मैं बाइक दिखा देता हूँ। ये चेक करो गाइस, ये लगी है अपनी बम्बल भी। और भाई मुझे पता है काफी ज्यादा गंदी लग रही है, बट कोई बात नहीं भाई, काफी टाइम से चलाई नहीं इसलिए गंदी है। अभी मेरा मन कर रहा है अकेले एक राइड करने का, देन उसके बाद मैं सांची को लेकर भी राइड करने जाऊंगा। और मेरी बाइक में पेट्रोल वगैरह भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत टाइम से निकाली ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, फटाफट निकलते हैं और आज आपको तूफानी वाली राइड दिखने वाली है। गाइस जैसे कि ये लगी है अपनी बम्बल भी, बट आपको एक चीज दिखानी है। ये चेक कर रहे हो गाइस, तुम्हारे भाई ने लगवाए हुए टायर स्टिकर, जिस वजह से भाई हमारी गाड़ी क्या ही मजेदार लग रही है। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताना भाई लग रही है जबरदस्ती या नहीं। बाकी कुछ स्टिकर वगैरह भी लगा रखे हैं यहाँ पे, तो अपनी लुक चेक करो अपनी माफिया वरना की क्या ही लग रही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस, चलो फटाफट निकलते हैं। फाइनली तुम्हारा भाई निकल चुका है घर से। अभी तुम्हारा भाई एक छोटी सी अकेले राइड मारने वाला है, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को चुल मच रही है भाई राइड करने की अकेले। ओ भाई साहब, भाई बहुत टाइम के बाद जब आप बाइक चलाते हो ना, और ऊपर से इतनी पावरफुल बाइक, तो भाई मजा ही अलग आता है। मैं जिस साइड से जा रहा हूँ भाई, सांची के घर के पास वाली साइड से जा रहा हूँ, और सांची को बात पहली आ जाएगी। भाई क्या गूंज रही है आज भाई की यार। तो अभी हम सबसे पहले डलवाने वाले हैं इसमें पेट्रोल। गाइस फाइनली पेट्रोल डलवा दिया हुआ है, अब एक छोटी सी राइड मारेंगे, धन निकलेंगे सीधा सांची के पास। ओ देख रहे हो भाई, यहाँ पे है ट्रैफिक वाले, और आराम से चलना पड़ेगा। क्या चक्कर हो गया? मिरर भी देख ले भाई। देख रहे हो भाई, बिना मिरर देखे इसने इधर कट मारा। पूछने वाला हूँ सांची को, फटाफट कॉल कर लेते हैं और सांची को बाहर बुलाते हैं, फिर निकलते हैं। गाइस तुम्हारा भाई पहुंच चुका है भाई सांची की गली में, और वो देख रहे हो, वो देख रहे हो सामने, वो आ रही है सामने सांची। ओ बाइक खराब होगी। ओ शिट शिट गाइस, बाइक खराब होगी, बंदी होगी। ये देख अभी बंद हुई, ये देख ऑन ही नहीं हो रही। अभी भी नहीं ऑन हो रही है, देख क्या भाई। पता देखो सारा। और बताओ कैसे हो? बढ़िया हो? और फिर कैसा लगा था मेरा गन प्रैंक वीडियो? देखी थी घर जाके? बेहुदा बेहुदा नहीं था, बहुत बढ़िया था। ठीक है, मेरे लिए तो बेहुदा था ना, मेरे पे हुआ था ना। अच्छा, और कुछ? अभी और भी होगा, और उससे भी खतरनाक होगा। मैंने आज ये सोच रहा था कि मैंने अपनी Z1000 का जो रैप है ना, वो चेंज करवाऊँ। क्या बोलते हो आप, चेंज करवाना चाहिए है? मन कर रहा अब थोड़ा सा, मतलब थोड़े बोर टाइप हो गए ना, येलो येलो देख देख के कुछ अलग करवाते हैं अब, है ना। तो गाइस क्या बोलते हो आप, कमेंट करके बताओ, आप चाहते हो कि मैं अपनी Z1000 का रैप जो है वो चेंज करूं? और अगर आप चाहते हो कि मैं चेंज करूं तो कमेंट करके बताओ, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को फोटो वगैरह भेज दो कि कौन से कलर का रैप करवाना चाहिए, है ना। चल टाइम वेस्ट नहीं कर, चल राइड पे जाना है, बहुत टाइम हो गया राइड पे नहीं गए। क्या मैं भी चलाऊंगी? हाँ हाँ पक्का पक्का, हर बार दूं, हर बार देता रहूं तुझे भाई। बट मैंने बोला था ओए अब से ना मैं ड्यूक लेके आऊंगा और वो चलाना तू, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सांची को बिठा के यहाँ से निकल रहा हूँ।
सो गाइस देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, आपको पता ही हो ये कौन सी लोकेशन है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे। गाइस आपको पता ही है ये लोकेशन हमारी फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे, ओ भाई आराम से गिर नहीं जाना, क्या हो गया? क्योंकि गाइस यहाँ पे है बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग और यहाँ पे भाई धूप ही नहीं पड़ती है। क्या हुआ, लगी? ओ कोई बात नहीं, लगती है। भैया भैया जी भैया क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो ना? आराम से भैया, आराम से। भैया बेचारे गिर रहे थे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे ब्लॉग शूट करने के लिए रुके थे बट यार किसी की डेथ हुई है वहाँ पे, देख सकते हो। तो अंतिम संस्कार चल रहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अभी यहाँ से आगे निकलते हैं यार, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, ज़्यादा आगे तो हम जाएंगे नहीं। सो गाइस यहाँ पे रुकते हैं, क्या बोलते हो? गिनी क्या कर रही है यार, उतरना नहीं आ रहा तेरे को? दिमाग खराब किया, ये क्लिप नहीं कट करूंगा मैं, उतरने की जांच ही नहीं है, दिमाग खराब किया हुआ, पूरा वेट एक साइड डाल रही है। उतरने की जांच नहीं है क्या? उतरने की जांच नहीं है तेरे को? बंदा उस साइड से, उल्टी साइड से क्यों उतर रही है? जंप मारा तूने, खराब किया हुआ है। मैंने ये वीडियो कट नहीं करनी है, ये मैंने डालना है। हर बार तू कोई ना कोई ऐसा काम करती है उल्टे सीधे, उतरने की जांच ही नहीं है। इस साइड से उतरता बंदा, उल्टी साइड से कौन उतरता है? गलती होगी ना यार, गुस्सा क्यों करता है यार? गाड़ी गुड़ी आ रही होती कोई पीछे से, फिर तो इस साइड से कौन उतरता है, उल्टी साइड से कौन उतरता है? 10 बार देखो समझाया, इधर से उतरा कर। 2 बार तूने पहले भी किया, वो मैंने क्लिप नहीं डाली है, हर बार व्लॉग एडिट कर देता हूं मैं। दिमाग खराब किया हुआ है, अब तू अब मन ही नहीं कर रहा व्लॉग शूट करने का, पहले भी तूने ऐसे किया ना भाई। गिरने से कुछ नहीं होता, उधर तक हम गए, गाड़ी इतनी तेज आ रही होती ऊपर से चल जाती, फिर सारा मूड खराब कर देती है। बंदा आया होता है कि व्लॉग शूट करेगा, कुछ करेगा। हमारा भाई घर पे आ चुका है। सो गाइस मैं आपको बताऊं, देखो यार मेन बात ये है, कई बार ना ऐसे सांची को भी ऐसा फील होता है कि भाई मैं उसका सिर्फ व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और भाई बीच बीच में ना वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें भी कर देती है जिस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे आज आपने देखा भाई, हम रोड के ना बहुत बीच में थे, सांची को धक्का लगा और वो उस साइड चली गई। छोटी मोटी चीजें जो करती है ना, मेरे को बड़ा डर लगता है कोई ऐसा वैसा सीन ना हो जाए हमारे साथ, ठीक है? तो गाइस इसलिए आज तो मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा, इतना ज्यादा मूड ऑफ हुआ ना, व्लॉग बनाना था, क्या सोचा था कि क्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट जब बंदा एक बार मूड खराब हो जाना है, ऑलरेडी भाई लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? तो अब सांची को भी मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो अभी नहीं समझती इन सब चीजों को। सच बताऊं, अभी मैं से जितना हो पाएगा ना, मैं अकेले व्लॉग बनाऊंगा, जैसा भी होगा जो भी होगा आपको एंटरटेन करने की फुल कोशिश करूंगा, अकेला व्लॉग बनाऊंगा, सांची को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सच बताऊं तो मैं जब सांची को लेकर राइड पे निकलता हूं ना, मुझे ऐसे डर डर लगता है, मैं खुल के राइड नहीं कर पाता। अब जो भी होगा अकेला बनाऊंगा। आप लोग सोच रहे होगे कि मानिक भाई पहले ग्रुप में राइड करते थे, या जो भी आप सोच रहे हो, तो सच बताऊं मैं अकेला ही ठीक रहता हूं, मेरे को अकेला ज्यादा अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। तो जो भी होगा अकेले व्लॉग बनाऊंगा, जितना हो पाएगा आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगा। आज के बाद मैं सांची के साथ कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगा जहां तक मुझे लगता है। तो बाकी करते हैं आज के व्लॉग पे यही एंड, नेक्स्ट व्लॉग जो भी होगा बहुत मजा आएगा आपको, आपका भाई पूरा एंटरटेन करेगा आपको जितना हो पाएगा, ठीक है? तो और गाइस मोटो व्लॉग भी बनेंगे और तुम्हारा भाई अकेले व्लॉग बनाएगा, जितना हो सके अकेले बनाएगा, बाकी देखते हैं यार क्या होता है। आज तो तुम्हारे भाई का मूड बहुत ज्यादा ऑफ है। सच बताओ यार, मेरे को गुस्सा पता था कब आया, सांची यार पहले भी हरकतें ना उल्टी सीधी कर चुकी है और मुझे डर लगता है यार इसकी छोटी मोटी हरकतों की वजह से ना कुछ ज्यादा सीन ना हो जाए। आज मेरे को सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, मैं गुस्से में सांची के घर से फटाफट घर पे आ गया। तो चलो छोड़ो यार सारी बातें, करते हैं व्लॉग का एंड, मस्त से व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।